हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का आज 12वां मुकाबला मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम यहां जीतेगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे कौन से स्टेडियम में और कितने समय शुरू होगा आईपीएल 2023 का 12वां मुकाबला। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल और मजबूत टीमों का मुकाबला आज यानी 8 अप्रैल को होने वाला है। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग की जंग आईपीएल के 12वें मैच में शाम 7:30 बजे देखने को मिलेगी। दोस्तों इस मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर होगा, तो वहीं लाइव स्ट्रीम जियो सिनेमा पर होगी। चेन्नई की टीम ने इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं जिसमें से उसे गुजरात टाइटंस से हार मिली है, तो वहीं उसने लखनऊ सुपर जेट की टीम को मात दी है। दोस्तों मुंबई की टीम ने टूर्नामेंट में अब तक एक ही मैच खेला है जिसमें उसे आरसीबी की टीम के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी है। दोस्तों अब मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। इस मैच पर क्रिकेट के सभी फ्रेंचियों की निगाहें बनी हुई हैं। दोस्तों पिच रिपोर्ट यानी वानखेड़े की पिच, हमेशा बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं इस पिच पर। दोस्तों इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। पिच पर उछाल यानी अच्छा उछाल होने के चलते गेंद और बल्ले पर आसानी से आती है, शॉट भी आउट फील्ड देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहां T20 फॉर्मेट से पहली पारी का एवरेज स्कोर 189 और दूसरी पारी का एवरेज स्कोर 169 रन है। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आती है। दोस्तों मुंबई और चेन्नई के अहम खिलाड़ी यानी मुंबई इंडियन को इस मैच में रोहित शर्मा और ईशान किशन से ज्यादा उम्मीद होनी होगी। पिछले मैच में ये दोनों ही कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे। मुंबई के लिए पहले मैच में तिलक वर्मा ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ऐसे में टीम को सूर्य कुमार यादव, जोफ्रा आर्चर और पीयूष चावला से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले 2 मैचों में तूफानी प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले मैच में 92 और दूसरे मैच में 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। दोस्तों इसके अलावा टीम को डेवोन कानवे, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेटनर और दीपक चहर से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11? दोस्तों मुंबई की संभावित प्लेइंग 11, रोहित शर्मा कप्तान, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड, निहाल बदेरा, ऋतिक शौकीन, कैमरून ग्रीन, ईशान किशन, पीयूष चावला, जोफ्रा आर्चर यानी अर्श खान। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11, एमएस धोनी कप्तान और विकेट कीपर, डेवेन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, बेन स्टोक्स, अंबाती नायडू, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मिचेल सेटनर, दीपक चहर, राजवर्धन हैंगेकर। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेंगे। और दोस्तों यहां फिर आज मुंबई जीतने की संभावना है। दोस्तों आज यहां मुंबई जीतेगी। दोस्तों आपको कौन सी टीम जीतने की संभावना लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।